दोस्तों अगर आपके पास वन प्लस नॉट सीरीज का कोई भी मोबाइल हो, चाहे नॉट सी हो, सी टू हो, नॉट टू हो, टूटी हो, सी टू लाइट हो, या जिसमें एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट आपको मिल चुका है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो आपको प्रो यूजर बना देगा अपने नॉट डिवाइस का। और कारण बहुत ही सिंपल है दोस्तों, हम लोगों ने 14 से 15 ऐसे ऐसे सेटिंग्स को काफी रिसर्च करके जुगाड़ा है, जिसके तरफ नॉर्मली आप लोगों में से किसी का ध्यान नहीं जाता है, या फिर दो सेटिंग्स हो सकता है कि आप चेंज करते भी होंगे, मगर बाकी के जो सेटिंग्स है उस पे आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है। और यही रीजन है कि आप प्रो यूजर नहीं बन पाते हैं, आपका मोबाइल फास्ट नहीं हो पाता है, वरना रॉकेट की तरह मेरा मोबाइल चलता है जब मैं इन 15 सेटिंग्स को अपने मोबाइल में इंप्लीमेंट करता हूं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु, और मैं आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, 14 से 15 वन प्लस नॉट की सेटिंग्स को देखेंगे, जिससे आप बिल्कुल प्रो यूजर बन जाएंगे अपने डिवाइस के। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक सेटिंग्स का अपना एक वैल्यू है, अपना एक इंपॉर्टेंस है। तो फिर चलिए समय बिल्कुल भी नहीं गवाते हैं और देखते हैं क्या है पहला सेटिंग जो आपको बिल्कुल प्रो यूजर बना देगा। आपको एक जादू दिखाता हूं, जादू बहुत कमाल का है। आपको अपने गूगल डायलर में जाना है, किसी भी नंबर को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे 198 को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, कॉल करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि ये डायलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। सबसे पहले मैं स्पीकर को ऑन कर देता हूं ताकि आप इसको सुन सकें, और यहां रिकॉर्ड बटन है, इसको मैं प्रेस कर देता हूं, और आप देख सकते हैं योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, आपको नहीं सुनाई पड़ता है। इनफैक्ट आप देखकर समझ गए होंगे कि ये OnePlus का नेटिव डायलर है दोस्तों, ये गूगल का डायलर तो है ही नहीं। और रिकॉर्डिंग देखिए कितना मक्खन की तरह हो रहा है, गूगल वाली आंटी योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड नहीं बोल रही है। और अब मैं कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता हूं, और आप देख सकते हैं यहां पर कॉल रिकॉर्डिंग सेव्ड हो जाता है, जिसको आप यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, गूगल डायलर से भी कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं, तो आप कैसे उसको इनेबल कर सकते हैं, स्क्रीन पर अभी आप एक वायरल वीडियो का आप देख रहे होंगे लिंक, इस पे आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी वो वायरल वीडियो का लिंक है, जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से गूगल के डायलर से भी आप कॉल को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बिना गूगल आंटी के रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट को सुनाए हुए, जो कि आपको भी सुनाई देता है, सामने वाले को भी सुनाई देता है। और यहाँ पर लाइव प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया है कि वो अनाउंसमेंट नहीं सुनाई देगा, ना आपको सुनाई देगा, ना सामने वाले को सुनाई देगा। आप जानते हैं दोस्तों कि पावर बटन को अगर आप ज्यादा देर तक प्रेस करके रखते हैं तो ये गूगल असिस्टेंट को इन्वोक कर देता है, मगर ऑब्वियसली आप चाहते थे कि पावर मेन्यू आ जाए, तो पावर मेन्यू लाने के लिए आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ दबाना होता है, और देखिए पावर मेन्यू आ जाता है, जो कि बहुत ही अनोइंग है। तो इसको अगर आपको चेंज करना है, यानी पावर बटन को दबाते ही पावर मेन्यू आ जाए, तो आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा नीचे आना है सिस्टम सेटिंग्स में, और यहां पर आप देख सकते हैं पावर बटन को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, बस इसके अंदर आपको जाना है, और ये वॉइस असिस्टेंट का जो ऑप्शन है इसको चेंज करके पावर मेन्यू कर देना है। और बस ऐसा करते ही जैसे ही आप पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, तो अब आप देखेंगे कि आपको पावर मेन्यू आता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सेटिंग्स की तरफ। तो आप देख सकते हैं आपके होम पेज पे बहुत सारा आइकॉन्स होता है जो ऊपर होता है, और आप नीचे से ऊपर कैसे इसको आप एक्सेस कर सकते हैं, तो OnePlus ने आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका दिया है, नीचे से ऊपर बस आपको उंगली से ऐसे करना, और देखिए सारा का सारा ऐप नीचे आ जाता है, और आप चाहे तो इसमें से किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हैं, बस उस ऐप पे आपको उंगली रखना है, छोड़ देना, और देखिए ये ऐप खुल जाता है। तो इस सेटिंग्स को इनेबल करने के लिए आपको अपने होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना होता है, यानी कि होम स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है, और यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे मोर मिलेगा, और जैसे ही आप होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन के सेटिंग्स में जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकॉन पुल डाउन जेस्चर का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बस यहाँ से इसको आपको इनेबल कर देना है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सेटिंग की तरफ। तो आप जानते हैं दोस्तों कि आपको OnePlus Nord सीरीज में ऐप लॉक देखने को मिल जाता है, यानी कि आप किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हैं, जैसे मैंने Amazon को लॉक किया हुआ है, तो जैसे ही मैं ओपन करूंगा आप देख सकते हैं ये आपसे फिंगरप्रिंट मांगता है या प्राइवेसी पासवर्ड मांगता है, तो फिंगरप्रिंट देते हैं और देखिए अनलॉक हो जाता है और Amazon खुल जाता है। और जब भी ऐप में आपका काम हो जाता है जो आपने ऐप लॉक से ओपन किया है, तो आप उससे बाहर निकल जाते हैं, इनफैक्ट आप उसको मेमोरी से भी डिलीट कर देते हैं, मगर अगली बार जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि अरे क्या ये तो ऐप लॉक मांगा ही नहीं, बिना पासवर्ड के ही देखिए कितना आसानी से खुल गया, जो कि आप नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं हमेशा आपने ऐप लॉक जिस भी ऐप में यूज किया हो वो हमेशा आपसे पासवर्ड मांगे या फिंगरप्रिंट मांगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली आप अपने सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर ऑब्वियसली आपको ऐप लॉक देखने को मिल जाता है, और ये आपसे फिंगरप्रिंट मांगेगा, दे दीजिए। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि Amazon है जिसमें आपने ऐप लॉक का यूज किया है, इसलिए Amazon जो है वो लॉक्ड हो चुका है। राइट अप कॉर्नर में आपको सेटिंग्स गियर देखने को मिलेगा, इसके अंदर आप जाएंगे लॉक ऐप वेन में जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन मिलता है, जिसमें पहला बोलता है
है लॉकिंग द स्क्रीन, यानी स्क्रीन जब लॉक होगा तो अगेन वो ऐप जो है लॉक हो जाएगा, वरना एक बार अगर आपने अनलॉक कर दिया तो जब तक आप अपनी स्क्रीन को लॉक नहीं करते हैं वो अनलॉक ही रहेगा। तो आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि जैसे ही आप ऐप से बाहर आए आपका ऐप जो है वो लॉक हो जाए। और अब देखिए क्या होगा, अब जैसे ही आप यहाँ से अपने ऐप में जाएंगे ऐप ड्रॉअर में, ऑब्वियसली आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो आप दे देंगे जो आप पहले भी दे रहे थे। अब आपका ऐप में काम हो गया, आप यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, इसके बाद आप मेमोरी से भी इसको क्लियर कर देते हैं, लेकिन पहले जब आप दोबारा ऐप को खोल रहे थे तो वो पासवर्ड नहीं मांग रहा था, मगर अब देखिए जितनी बार भी आप खोलेंगे वो पासवर्ड मांगेगा ही मांगेगा, बिना पासवर्ड के खुलेगा ही नहीं। आप अपने OnePlus Nord फोन में जैसे ही ऊपर से नीचे स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बजाय हमेशा शेल्फ आ जाता है, जो बहुत अनोइंग आपको कभी कभी लगता है। आपको लगता है कि नहीं मेरे को नोटिफिकेशन चाहिए था, शेल्फ नहीं चाहिए था, तो आप क्या करेंगे? बहुत ईजी है दोस्तों, बस आपको इसके सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्च शेल्फ फ्रॉम टॉप राइट कॉर्नर, इसको आपको डिसेबल कर देना है, ओके कर देना है। अब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, आप अपने फोन में ऊपर से नीचे करेंगे, आप देखेंगे क्विक टॉगल्स आ जाता है, फिर करेंगे नोटिफिकेशन आ जाता है। अब आपका OnePlus Nord डिवाइस जो है वो लॉक्ड है, आप फिंगरप्रिंट स्कैनर पे अपना फिंगर रखते हैं और थोड़ा देर तक रखे रहते हैं बिना हटाए हुए, तो आप देखते हैं कि आपको एक ऐप मेन्यू देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल जादू जैसा लगता है दोस्तों, क्योंकि यहां से आप अपने किसी भी ऐप को बहुत आसानी से खोल सकते हैं। आप यहां से चाहे तो ये न्यू इवेंट यानी कैलेंडर में करना चाहते हैं तो बस यहां टच कीजिए, देखिए कैलेंडर खुल जाता है। और बिल्कुल पॉसिबल है कि आप अभी अपने Nord मोबाइल में कर रहे हो और ये नहीं हो रहा हो, तो ये कैसे करेंगे? इसके लिए अगेन आपको सेटिंग्स में जाना होगा, नीचे स्क्रॉल करना होगा स्पेशल फीचर्स में, और यहां पर आप देख सकते हैं क्विक लॉन्च आपको देखने को मिल जाता है जिसको आपको 100% इनेबल कर देना है। और जैसे ही फिंगरप्रिंट सेंसर पे आप अपना उंगली रखेंगे तो क्या क्या ऑप्शन आना चाहिए उसको आप यहां से एडिट कर सकते हैं, जितने भी एप्स आप चाहते हैं आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी फंक्शन आप चाहते हैं आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो आपका मोबाइल लॉक्ड है, अचानक से कोई ऐसा सीनरी आ जाता है जिसका आपको फोटो लेना हो यानी कैमरा ऑन करना हो, ऑब्वियसली आप फिंगरप्रिंट सेंसर दे सकते हैं, फोन को ऑन कर सकते हैं, कैमरा खोल सकते हैं, काफी समय लगता है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है वो सामने का सीनरी गुजर जाए और आप एक बहुत ही अच्छा मोमेंट मिस कर दें, तो ऐसा नहीं करना चाहते हैं। तो कैमरा को ओपन करने के लिए आप अपने लॉक्ड स्क्रीन पर बस ऐसे ओ बना देंगे और जैसे ही आप ओ बनाएंगे आप देखेंगे कैमरा आपका इनेबल हो जाता है। और इसमें एक फायदा और है दोस्तों, जैसे ही आपका फोन लॉक होता है बस आपको ऐसे वी बनाना है और पीछे का जो फ्लैश लाइट है वो ओपन हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि आपको नोटिफिकेशन आ जाता है टॉर्च टर्नड ऑन, ऑब्वियसली आप यहां से ऑफ कर सकते हैं या फिर अगेन लॉक्ड स्क्रीन से वी बनाकर टॉर्च को ऑफ कर सकते थे। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन से सेटिंग्स में आपको ये कैमरा को क्विक एक्सेस करने का ऑप्शन मिलता है। तो ऑब्वियसली आप अपनी सेटिंग्स में जाएंगे, सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद जेस्चर एंड मोशंस में जाएंगे, इसके बाद स्क्रीन ऑफ जेस्चर में जाएंगे और यहां पर आप देख सकते हैं ड्रॉ एन ओ टू ओपन कैमरा, ड्रॉ अ वी टू टर्न टॉर्च ऑन और ऑफ, बस इन दो सेटिंग्स को आपको इनेबल कर लेना है। और इसी में आप मोर में आएंगे तो आप देखेंगे ड्रॉ एम और ड्रॉ डब्ल्यू में आपको दो दो जेस्चर इनेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है, बस यहां से इसको आपको इनेबल कर देना है, गॉट इट कर देना है, इसके अंदर जाना है और कोई भी एक्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई ऐप को ओपन कर सकते हैं या किसी कॉन्टैक्ट को कॉल कर सकते हैं, जैसे मैंने कॉल में किया है कॉन्टैक्ट आ जाएगा, इसमें से आप किसी भी कॉन्टैक्ट को चूज कर लेंगे और मैंने MTG को चूज किया है, स्क्रीन को लॉक कर लेना है, यहाँ पर M को ड्रॉ कर देना है और आप देख सकते हैं ये MTG को कॉल करना शुरू कर देता है बिना किसी प्रॉब्लम के। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो आप अपनी स्क्रीन पर ऊपर से नीचे करते हैं तो नोटिफिकेशन आता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आप अपने स्क्रीन पे कहीं भी ऊपर से नीचे करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको ग्लोबल सर्च मिल जाता है, जो अगेन आपको अनोइंग लगता है, आपको लगता है कि ऊपर से नीचे करने के लिए आपको उंगली ऊपर ले जाना पड़ता है, यहीं से अगर नोटिफिकेशन आ जाता है या क्विक टॉगल आ जाता है तो कितना बढ़िया बात होता। तो इसके लिए अगेन हम लोग होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाएंगे, जैसे पहले हम लोग गए थे होम स्क्रीन पर लॉन्ग टैप करके, मगर इसका भी दूसरा तरीका है, आप सेटिंग्स से भी होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जा सकते हैं। आप देख सकते हैं सेटिंग्स में आपको होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन का सेटिंग्स देखने को मिल जाता है और यहां पर स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें ग्लोबल सर्च सिलेक्ट न करके आप नोटिफिकेशन ड्रॉअर को सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए आप स्क्रीन पर कहीं भी ऊपर से नीचे करेंगे तो नोटिफिकेशन सेंटर ही खुलेगा, एक बार और करेंगे तो आपको क्विक टॉगल पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो अगेन वो होम स्क्रीन के सेटिंग्स में ही है, सेटिंग्स में जाएंगे, होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाएंगे, डबल टैप टू लॉक ऑप्शन है जिसको आपको हमेशा इनेबल करके रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ये, कैसे काम करता है। तो होम स्क्रीन पे जाएंगे, डबल टैप करेंगे, देखिए लॉक हो जाता है। अब डबल टैप करने पे ये अनलॉक भी होना चाहिए था, नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो अगेन हम लोग होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे और आप देखेंगे डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन है, इसको भी आपको इनेबल कर लेना है। अब ऑब्वियसली हम लोग होम स्क्रीन पे जाएंगे, डबल टैप करेंगे तो लॉक हो जाएगा, डबल टैप करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, आपको फिंगरप्रिंट मांगेगा, दे दीजिए, ये खुल जाएगा। और होम स्क्रीन के सेटिंग्स में ही आप देख सकते हैं आपको रेस टू वेक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसका मतलब ये है कि फोन आपका कहीं रखा हुआ है, जैसे ही आप हाथ में उठाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली
लिए अपने स्क्रीन को लिफ्ट करेगा और फेस अनलॉक या पासवर्ड मांगेगा ताकि आप फोन के अंदर जा सके, आपको कोई भी बटन दबाने की जरूरत नहीं है। और होम स्क्रीन में ही एक बहुत ही बढ़िया सेटिंग्स की तरफ हम लोग आपको ले चलते हैं जिसकी आपको बहुत जरूरत होती है हमेशा। रिसेंट टास्क मैनेजर में जाएंगे और रिसेंट ऐप में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे ही रिसेंट टास्क मैनेजर में आप डिस्प्ले रैम मेमोरी इन्फॉर्मेशन को इनेबल कर देंगे, अब आप रिसेंट ऐप में जाएंगे तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि 3.7 GB अवेलेबल है 8 GB में से, और इसमें वर्चुअल रैम इसमें 5 GB आपका काम कर रहा है, यानी कि अभी आपके पास टोटल 13 GB रैम है जिसमें मात्र 3.78 GB अवेलेबल है। ऑब्वियसली जैसे ही आप इसको क्लोज ऑल कर देंगे तो योर सिस्टम इज नाउ इन ऑप्टिमल कंडीशन आ जाएगा। और अगेन आप रिसेंट में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़कर ये 4.19 GB अवेलेबल हो जाता है, वही 8+5 यानी 13 GB में से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खतरनाक सेटिंग की तरफ। तो हम लोग ऊपर से नीचे स्वाइप करेंगे, फिर से स्वाइप करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अपने कैरियर का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, यानी वोडाफोन का आप सिम यूज कर रहे हैं और आज दिन भर आपने कितना डेटा यूज किया है, 164 KB मैंने यूज किया। और इस पे जैसे ही आप टैप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको डेटा यूसेज का पूरा डिटेल्स पेज देखने को मिल जाता है। आज के दिन कौन कौन से ऐप ने कितने डेटा को यूज किया है यहाँ पर आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। और मोर डेटा यूसेज में आप देख सकते हैं कि आप डेटा का डेली यूसेज लिमिट भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली जिस दिन आपने रिचार्ज कराया है तो आपका दिन उससे शुरू होगा, अगर आपने 2 तारीख से कराया है तो आपको 2 तारीख से करना है, ओके कर देना है। डेली डेटा यूसेज लिमिट यानी आपका प्लान क्या है 1.4 GB का है या 2 GB का है, यहाँ से उसको सेट कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं 1.5 GB मैंने सिलेक्ट कर लिया है, यानी 1.5 GB डेटा यूसेज जैसे ही मेरा कंप्लीट हो जाएगा मेरे को अलर्ट आएगा, या एक कदम और मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, अलर्ट भी पा सकता हूँ और मोबाइल डेटा को टर्न ऑफ भी कर सकता हूँ, ओके कर दूंगा। अब इसी तरह से मंथली डेटा यूसेज लिमिट को भी यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अगेन आपको जीबी में डेटा दे देना है, जैसे 30 GB आप दे सकते हैं 30 दिन का अगर आपका प्लान है तो, और आप सिर्फ अलर्ट चाहते हैं या फिर आप मोबाइल डेटा को भी ऑफ करना चाहते हैं और डेटा वार्निंग आप हमेशा पाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको इनेबल कर सकते हैं, ओके कर देंगे। बैक जाएंगे और इसमें आप देख सकते हैं डेटा सेविंग का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको अगर आप इनेबल कर देंगे तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से आपका डेटा सेविंग होगा और अननेसेसरी डेटा लॉसेस आप बिल्कुल बच जाएंगे। अब दोस्तों मान लीजिए कि आप अपने फोन को लॉक करके कहीं चले जाते हैं, चाहे वॉशरूम चले जाते हैं या ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, आप कहीं बाहर जाते हैं किसी से मिलने के लिए, फोन को डेस्क में ही छोड़ के चले जाते हैं, आपका कोई दोस्त आता है आपके लॉक स्क्रीन से ही ऊपर नीचे स्वाइप करता है तो देखता है ये तो सारा एक्सेस कर सकता है, इनफैक्ट हॉटस्पॉट को भी इनेबल कर सकता है, आपके डेटा को इनेबल कर सकता है, वाईफाई को डिसेबल कर सकता है और कुछ भी कर सकता है जो कि उसको नहीं करना चाहिए या आपको उसको नहीं करने देना चाहिए। तो ऑब्वियसली आपको स्मार्ट बनना है दोस्तों, आप उसको नहीं करने देंगे बशर्ते ये कि वो नहीं करेगा, वो तो करेगा ही मगर आप नहीं करने देंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो बिल्कुल स्मार्ट बनेंगे, मैजिकल टेक गुरु इसी के लिए है, आपको आपके मोबाइल से रिलेटेड जितना भी बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स है उसको बताने के लिए, ताकि आप स्मार्ट बने इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा। थोड़ा नीचे आएंगे, नोटिफिकेशन स्टेटस बार में जाएंगे, लॉक स्क्रीन में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन ड्रॉअर, इसको बस यहाँ से डिसेबल कर देना है। अब अगेन आप अपनी स्क्रीन को लॉक कर देते हैं, आपका लॉक स्क्रीन दिख रहा है, आपका फ्रेंड आता है सोचता है इस बार भी वो हॉटस्पॉट को ऑन करके आपका डेटा चुरा लेगा, मगर ये क्या वो तो कर ही नहीं पा रहा है क्योंकि मैजिकल टेक गुरु ने आपको स्मार्ट बना दिया है और वो खुद बन के चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ। तो अपने फोन को लॉक कर देते हैं, अनलॉक करने की कोशिश करते हैं फेस से और आप देख सकते हैं फेस से ये अनलॉक तो हो गया है मगर आपका होम स्क्रीन नहीं आता है, आप नीचे से ऊपर करते हैं तब होम स्क्रीन आता है जो कि नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि जैसे ही आप अपने फेस से अनलॉक करें अपने मोबाइल को आपका मोबाइल में सीधा होम स्क्रीन आ जाए, आपको क्यों ऊपर स्वाइप करने की जरूरत है। तो इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा नीचे पासवर्ड सिक्योरिटी में आना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि पैटर्न मांगेगा, पैटर्न दे दीजिए और क्लियरली यहाँ पे मेंशन है एंटर होम स्क्रीन आफ्टर अनलॉकिंग, बस इसको इनेबल कर देना है। और ऑब्वियसली रात में अगर आप अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं फेस से तो आपको ब्राइट स्क्रीन चाहिए, इसलिए आपको ब्राइट स्क्रीन एंड डिम लाइट को भी इनेबल कर देना है। और अब देखिए जैसे ही आप अपने स्क्रीन को लॉक करेंगे, अनलॉक करने की कोशिश करेंगे, ये फेस अनलॉक लेगा और देखिए आपका होम स्क्रीन डायरेक्ट आ जाता है, आपको नीचे से ऊपर स्वाइप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब एक बहुत ही बेसिक सी नीड है जो हर एक को अपने मोबाइल में चाहिए, यानी कि बैटरी कितना परसेंट अभी चार्ज है वो दिखना चाहिए और हम डेटा से कनेक्टेड है चाहे वाईफाई हो या मोबाइल डेटा हो तो डेटा स्पीड दिखना चाहिए, आपके नॉड में बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। बस आपको अपने सेटिंग्स में जाना है, नोटिफिकेशन स्टेटस बार में जाना है, स्टेटस बार में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो आप देखेंगे 78% बैटरी अभी आपका चार्ज्ड है। और यहाँ पर 2 कदम आगे बढ़ के आपको बैटरी स्टाइल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें आप लूप भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि सर्कुलर में आप देख सकते हैं कि प्रोग्रेस बार में आपका आ जाता है कि कितना बैटरी आपका चार्ज है वो दिखेगा। और डेटा स्पीड देखना चाहते हैं तो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को आपको यहाँ से इनेबल कर देना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेटवर्क स्पीड आ जाता है। अब दोस्तों आपका नॉट मोबाइल लॉक्ड है, आप देख रहे हैं ऑलवेज ऑन स्क्रीन आपका दिख रहा है और आपको कोई मैसेज आता है, आप चाहते हैं उसको कोई ना पढ़ सके मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो देयर व्हाट्सएप, कोई भी पढ़ सकता है दोस्तों आपका ये मैसेज देखकर, अगर आप अपने डेस्क पे नहीं है या आप अपने घर
पे हैं, कहीं वॉशरूम गए हुए हैं, तो कोई भी देख लेगा कि ये मैसेज किसका था और क्या था। ऑब्वियसली चाहते हैं कि नोटिफिकेशन में आपका ये हाइड हो जाए, यानी कोई भी मैसेज को देख ना सके, पढ़ ना सके। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो जैसे व्हाट्सएप में मैसेज आया तो ऑब्वियसली आप अपने व्हाट्सएप ऐप में जाएंगे, ऐप पे लॉन्ग टैप करके रखेंगे, ऐप इन्फो में जाएंगे, मैनेज नोटिफिकेशंस में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड नोटिफिकेशन डिटेल्स ऑन लॉक स्क्रीन, बस इसको आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। अब देखिए आपका स्क्रीन जो है वो लॉक हो जाएगा, ऑलवेज ऑन स्क्रीन अगेन आ जाएगा, मगर अब जब मैसेज आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज आ चुका है, व्हाट्सएप का सिंबल बन चुका है, मगर अभी यह मैसेज आप नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि आपने लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन को हाइड कर दिया है व्हाट्सएप के लिए। तो अगर आप पढ़ना होगा तो क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली आप अंदर जाएंगे, व्हाट्सएप में जाएंगे और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैसेज आया था अगेन, हेलो देयर व्हाट्सएप, मगर पहला वाला आपको दिखा था और दूसरा वाला आपको नहीं दिखा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है दोस्तों, मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको ये 14 से 15 टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स जो मैंने आपको बताए हैं आपके नॉर्ड मोबाइल के, उसको जरूर से जरूर आप इंप्लीमेंट करेंगे अपने मोबाइल में और बिल्कुल प्रो यूजर की तरह अब अपने मोबाइल को यूज करेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो दबा के लाइक कीजिए, ठोक के शेयर कीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ, क्योंकि ये पुण्य का काम है और पुण्य का काम करते रहना चाहिए। और थोड़ा पुण्य आप और कमाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि जब भी हम ऐसे ऐसे मजेदार नॉलेजफुल वीडियोस लाते हैं अपने इस चैनल पे तो आपको सबसे पहले पता चल सके। तो चलिए अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।